कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर भृगु क्षेत्र बलिया में गंगा में स्नान का पौराणिक इतिहास रहा है। इस अवसर पर गंगा स्नान का बड़ा महत्व है। शुभ अवसर का लाभ उठाने के लिए आस्था का सैलाब बलिया में उमड़ पड़ा। दूरदराज से लाखों की संख्या श्रद्धालु गंगा नदी के किनारे रात से ही श्रीरामपुर घाट पर पहुंचना शुरू कर दिए। जैसे ही सूर्योदय हुआ, लोगों ने एक साथ पवित्र गंगा नदी में डूबकी लगाई। जैसा कि बलिया के बुजुर्गों का कहना है, जनपद में कार्तिक पूर्णिमा के दिन महर्षि भृगु मुनि की तपोस्थली और भृगु मुनि के शिष्य दर मुनि और राजा बलि की धरती बलिया कही जाती है। यहाँ गंगा स्नान करना बहुत शुभ और लाभकारी होता है। माँ गंगा की पावन तट पर लाखों का जमावड़ा लगता है। जगह जगह जगराता घाटों पर होता रहता है। बलिया में कार्तिक पूर्णिमा का अलग ही महत्व है। ऐसी मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने के बाद लोग दान पूर्ण कर अपने परिवार की सुख समृद्धि की प्रार्थना करते हैं। साथ ही महर्षि भृगु के आश्रम में जाकर उनको जल चढ़ाने से सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। इसीलिए लाखों की तादाद में गंगा स्नान करने आए श्रद्धालु स्नान करने के बाद महर्षि भृगु के आश्रम पहुंचते हैं, जहां महर्षि की प्रतिमा के दर्शन करने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ता है। कार्तिक पूर्णिमा स्नान में उमड़ी भीड़ से गंगा तट भजन कीर्तन से गूंज उठा। साकेत सिंह ने बताया कि स्नानार्थियों के लिए घाट पर विशेष व्यवस्था की गई है। साथ ही ददरी मेले में भी रौनक बढ़ जाती है, जिसको लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। नगर पालिका प्रशासन का दावा है कि इस बार कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर बलिया ही नहीं, आसपास के जिलों से करीब 10 लाख लोग आकर गंगा में आस्था की डूबकी लगाएंगे। इसको लेकर वीवीओ टीम, जगह जगह पुलिस व्यवस्था चुस्त दुरुस्त दिखी। जगह जगह पुलिस के जवान गश्त करते नजर आए। चुकी बिछला घाट चौकी क्षेत्र में श्रद्धालुओं की भीड़ अधिक रहती है, गंगा घाट की तरफ जाने वाले रास्ते पर विशेष चौकसी दिख रही। गंगा स्नान के दौरान कोई हादसा न हो, एनडीआरएफ की एक टीम गंगा नदी में लगातार भ्रमण पर लगी है। मेले में सादी वर्दी में भी पुलिस के जवान मुस्तैद हैं। बलिया से सागर गुप्ता की रिपोर्ट। ये भृगु बाबा की तपोभूमि पे, इस गंगा के घाट पे, दादर मुनि के क्षेत्र में उन्हीं के नाम पे मेला लगता रहा है। और ये विगत कई सालों से ये परंपरा रही है, यहाँ पे भव्य मेला लगता है। और उत्तर प्रदेश का यह ऐतिहासिक मेला, यह तीन जगहों पे, कुरुक्षेत्र, हरि क्षेत्र और ये भृगु क्षेत्र, जिसमें उत्तर प्रदेश के अंदर यह बलिया का भृगु क्षेत्र की नगरी है, जहाँ पे ददरी मेले का भव्य आयोजन होता है। और प्रत्येक साल की बात, इस साल भी भव्य मेले का आयोजन किया गया। कितने लोग ये करते हैं यहाँ पे? लाखों की संख्या में लोग डुबकी लगाते हैं और लाखों श्रद्धालु यहाँ पे डुबकी लगा करके बाबा भृगुनाथ जी, ये भृगु बाबा को, बाबा बलेश्वरनाथ को जल चढ़ाते हुए और यहाँ का आशीर्वचन लेते हुए अपने अपने घर को जाते हैं। देखिए, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि पूर्वोत्तर भारत का ये सबसे बड़ा मेला है और यहाँ के मेला का बहुत बड़ा महात्मा है। जो हरिहर क्षेत्र और कुरुक्षेत्र की मैंने चर्चा किया, अगर वहाँ की भी तुलना की, तो वहाँ की तुलना में यहाँ का बहुत बड़ा महात्मा है। और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि पूरे पूर्वोत्तर भारत की बात मैंने किया, बंगाल से लेकर बिहार, उड़ीसा, कई के राज्यों के लोग आकर के यहाँ गंगा में डुबकी लगाते हैं लाखों की संख्या में और यहाँ का प्रसाद लेकर के अपने अपने राज्यों में, अपने अपने घरों में पड़ेगा। जी, ये कार्तिक पूर्णिमा आज स्नान का दिन है, कितने कितना महत्व देता है आम इंसान के लिए? ये पुरातन से चला आ रहे हैं। ये कार्तिक पूर्णिमा के स्नान की बहुत बड़ा महत्व है। हमारे वेद शास्त्र में भी लिखा है कि कार्तिक पूर्णिमा के स्नान से संसार में जो मनुष्य पाप कर्म करता है, उसे निवृत्ति पाने के लिए एकमात्र गंगा स्नान, जो कि सारे यात्रीगण आते हैं और गंगा मैया की शरण में रात्रि जागरण करते हैं, सुबह में स्नान करते हैं। कहा गया है कि गंग सकल मद मंगल मूला, हर ही पाप कह बेदश मूला। गंगा के स्नान से सारे पाप ताप संताप मिट जाता है। जो तीन ताप हैं, दैहिक दैविक भौतिक ताप है, तो हमारे वेद शास्त्र में प्रमाण है कि गंगा के स्नान से तीनों ताप का क्षय हो जाता है, नाश हो जाता है, तीनों ताप का नाश हो जाता है। इसीलिए गंगा स्नान के बहुत बड़ा महत्व है। गंगा के उद्गम स्थल हैं गंगोत्री, जो कि हमारे वेद शास्त्र में प्रमाण है कि गंगा मैया भगवान ब्रह्मा के कमंडल से प्रकट हुई, प्रकट स्थान बलिया। बलिया में जो स्नान कार्तिक पूर्णिमा का होता है, उसमें कितने श्रद्धालु आते हैं और इससे उनको माँ गंगा से क्या मांग कर जाते हैं? मेरे बलिया में तो
प्रमाण है कि जबकि भृगु मुनि आपको भगवान विष्णु के छाती में लात मारे तो उनका गौ उनका प्रायश्चित मिला ब्रह्म हत्या का। तो ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित लगा तो पूरा विश्व में वो भ्रमण किए, उस प्रायश्चित से उनका निवृत्ति नहीं हुआ। तो उनके गुरुदेव ने एक सूखा हुआ कोइन दी, मतलब बांस का, और वो कहे कि बेटा तुम इसको जिस स्थान पर गाड़ देगा और ये हरा हो जाएगा तो समझ लेना कि तुम्हारा वो प्रायश्चित कट गया। इसीलिए आपके भृगु मुनि ने बलिया में आए और वहीं पे ये गंगा के तट पे वो बांस का कोइन का गाड़े और वो हरा हो गया। इसीलिए आज के कार्तिक का पूर्णिमा का दिन ही था कि जो कि ऐसा हुआ, तो बहुत बड़ा महत्व है जो श्रद्धालु गणाते हैं। आपके बलिया का महत्व इतना बड़ा है जो कि राजा बलि का भी क्षेत्र है बलिया, और आपके भृगु मुनि के तपोस्थली है जो कि बलिया का महत्व बड़ा है, बहुत बड़ा है। जो श्रद्धालु गण श्रद्धा से विश्वास के साथ में बलिया में जाकर के भृगु मुनि का दर्शन करें और गंगा स्नान करें, बलिया से लेकर के द्वाबा तक ये सब एक ही धार आता है। बलिया से धार चल करके आपके काशीपाट से, काशीपाट कहा जाता है हम लोग का, ये जैसे कि आया है कि काशी के दक्षिण गंगा बहती है और अयोध्या के उत्तर सरजू बहती है। तो आपके ये द्वाबा जो क्षेत्र है, बलिया के उद्गम स्थान द्वाबा क्षेत्र है, वो और उत्तम है क्योंकि भगवान राम कहे हैं कि अवधपुरी ममपुरी सुहावनी उत्तर दिशा सरजू बह पावन जा मंजन ते बिनहि प्रयासा मम समीप नर पावहि भाषा। अवध अयोध्यापुरी के भगवान राम ने वर्णन किए इसलिए कि वहाँ पर सुंदर सरजू सलील अपना कलोलित करते हुए उद्गम स्थान में बह अपने धार को सुंदर धार बहती हैं। इसीलिए कहें कि उत्तर दिशा सरजू बह पावन, मेरे उत्तर दिशा में सुंदर सरजू बहती हैं। इसीलिए अयोध्यापुरी अति उत्तम है क्योंकि राम के तो जन्म हुए, तो अपने मुँह से कैसे कहें। इसलिए प्रभु ने सरजू मैया के वर्णन किए कि उत्तर दिशा सरजू बह पावन, उत्तर दिशा में पवित्र सरजू बहती है और उससे स्नान करने से मनुष्य के तरन तारण हो जाती है। तो इसीलिए आपके उत्तर में सरजू बहती है।